देखो स्कूटी कितना मजे कर रहा है। देखो दोस्तों, गांव के बहुत पुराने घर है, पता नहीं कितना पुराना घर है। इसके गेट का साइज देखो, गेट के साइज से लग रहा है कि लोग कैसे रहते होंगे, कितना छोटा घर है। तो विंडो का साइज भी इससे बड़ी होती है। देखो सारे गेट हैं, इतने छोटे गेट हैं, और पता नहीं ये कितना साल पुराना गांव है। देखो जाना हमें उस टापू में, और रास्ता नज़र नहीं आ रहा यहाँ से। ये देखो इससे आगे रास्ता ना बहुत छोटा है, वहाँ से छोटे छोटे रास्ते हैं। कार यहाँ तक ले आए, काफ़ी ज़्यादा टफ रास्ता था। अभी पूछने जा रहे हैं कि और आगे कहाँ जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं। देख रहे हो ये यू टर्न कुछ ज़्यादा शार्प है, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट। और मेरे पास जो कार है वो भी उस लेवल का कैपेबल वाला हिसाब नहीं है ना, 4x4 नहीं है, वरना तो डेफिनेटली ट्राई करते। ठीक है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अभी मेरा दोस्त गया हुआ है पूछने के लिए कैसे जा सकते हैं वहाँ पे। हाँ, अगर पॉसिबल हुआ तो जाएंगे, वरना कैंसिल, टाटा बाय बाय। वीडियो यहीं तक ही रहेगी, जो पीछे का जो देखा वही दिखा के मैं डाल दूँगा वीडियोस, उससे आधा कुछ नहीं डलेगा। गांव देखो सामने, इन सारे माउंटेन्स हैं, आई मीन जैसे जो जो पीक है, रेंज है, उससे ज़्यादा ऊंचा है इसका, देख रहे हो। और प्लान है कि यहाँ जाएँ। वो आ गए, जरा बात करते हैं, पॉसिबल है या नहीं है। टफ है भाई, और वैगनार को मैंने खींच दिया, कहीं पे भी ले जाता हूँ, किसी दिन खुल के आ जाएगा हाथ पे, उस दिन से रुकेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं जा रहा देख लेते हैं। गाड़ियां गई तो है मुकेश जी, और कितना दूर है, कहाँ है, चले क्या? चलो ट्राई करते हैं। हाँ, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि टच ना हो जाए नीचे। कहाँ लिया है गाड़ी को, देखो अपनी वैगनर यहाँ खड़ी है। रास्ता कुछ ज़्यादा ही टफ है यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे को कुछ ज़्यादा ही
चांसेस है ऊपर छूने के ना, पूरा नीचे, सॉरी। पहुंच गए जी, यहाँ पहुंचने पता है कितना टाइम लगेगा मुझे जी? कम से कम 2 घंटे लगेंगे, 1.5 से 2 घंटे। सीधा तो यहाँ से तो होगा नहीं, क्योंकि इधर से तो लग ही नहीं रहा चढ़ने का जगह है। चढ़ने का जगह इधर से कहीं से होगा, जितना रास्ता बना रखेगा कहाँ, पूरा रास्ता बना रखा, ये पिलर पिलर दिखेगा। हाँ चल चल, तो ये कोने से कट के उस कोने में, उधर से पीछे से होगा इसके चढ़ने का, इधर से तो नीचे खाई है बिल्कुल। ये देखो ना वो रास्ते में वाइट वाइट लाइन लगी है, देखो साइड से, इधर से इधर। अगली बार आएंगे यहाँ रुकेंगे, फिर जाएंगे, तब जाना। चाय मांग लेना फिर, अब देखना अपने बाबा कौन देगा, मांगो किसी से चाय पी। ओए होए, तो दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो टारगेट था वो वहाँ पे टॉप में बहुत ही प्राचीन टेम्पल है, बट उसके लिए रास्ता पता नहीं यहाँ से कहीं से जाके क्रॉसिंग करके उस पहाड़ से फिर ऊपर जाके चढ़ेंगे, क्योंकि इस साइड से कोई रास्ता नहीं है, उसके बैक साइड से रास्ता होगा, उसके लिए हम क्रॉसिंग करना पड़ेगा नीचे से। वहाँ से एक रास्ता तो देखा मैंने, वो देखो वहाँ पे, वो रास्ता ऐसे से पीछे से जा रहा होगा, बट इधर से कहाँ से, अदरवाइज फिर हमें फिर नीचे उतर के वहाँ से जाना पड़ेगा। अभी हो रहे 2, वापस भी जाना है, 4 घंटे आने में लग गए, तो जाहिर सी बात है 4 घंटे जाने में लगेंगे, और इसको चढ़ने में 4 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे चढ़ने में, 2 घंटे उतरने में, तो प्लान कैंसिल लग रहा है। पहले कुछ खाते हैं, कुछ खाया नहीं है, फिर देखते हैं क्या करना है। तो पुराने उसमें बनता था ना ये ऐसे वाला पत्थर वाला घर, अभी तो ओए ये तो पूरा छेद हो रहा है। ओए होए, यहाँ बैठ के देख सकते हैं, बढ़िया है। उस घर का ऊपर इससे नीचे आ गया है, नीचे का भी नीचे चला गया, नीचे का भी नीचे चला गया, बिल्कुल खाई हो गया। पहले जमाने में बहुत दीवार कितनी मोटी होती थी, पत्थर की दीवार, और पहले सपोर्ट ही सब कुछ इसी का था। कहने के लिए स्ट्रॉन्ग था वो भाई साहब। इसको पकड़ना मुख्य सी, 1-2 तोड़ के लाओ ना। यहाँ से यहाँ से रास्ता तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पूछते चलो। मंदिर तो वो है ना शायद, वो क्या है वो जो सामने जो इतने ये जो पिलरें बने हुए हैं, घर है वो, घर है, गमले रखे लोगों ने। अच्छा वो गमला है, तुम कौन से मंदिर, वो मंदिर कह रहे हो क्या जाने के? नहीं ऊपर पे। अच्छा रास्ता तो है, है? हम उधर से तो आए हैं, यहाँ गाड़ी वहाँ नीचे जात से, आपसे तो नीचे आएंगे शॉर्टकट, खेती खेत नहीं आएंगे ना, वो दिख रही है कार, वो खड़ी वहाँ पे, लीटर पानी की टैंक है ना। यार यहाँ पे तो ये वाला बहुत है पौधा इसका, जो आग लगा देती है, इसको खाते भी है पता मुकेश जी? हाँ, इसकी चाय बनती है, चाय बहुत बढ़िया वो बनती है इसकी, हमारे यहाँ ग्रीन टी बनाओ इसकी। हाँ, इसकी बहुत मिनरल्स और बहुत पौष्टिक वसी होती है। यहाँ पे तो क्या करते हैं, बहुत से सब्जी बनाते हैं शायद हमारे यहाँ पे, बनती है वो काबली बनती है इसकी ना। अच्छा, सब्जी पीस के, हाँ हाँ, इसको पत्ते पत्ते निकाल के, हाँ हाँ, उबालते हैं फिर इसको पीस के बनाते हैं। किधर है वैसे इसकी ना
फॉरेन में यहाँ पर पता क्या होता है, निकाल के सुखाते हैं ये सब, चाय पत्ती बनाते हैं, पाउडर रहता ग्रीन टी बनती है। अच्छा, वो बहुत बढ़िया होती है। वैसे बना सकते हैं, ये नहीं पता था मेरे को, इसका भी वो ग्रीन टी बनाते हैं। बहुत बढ़िया ग्रीन टी बनती है, मतलब हेल्थ वाइज बहुत अच्छी होती है। हाँ, हेल्थ वाइज तो सुनने में आया था बहुत, क्योंकि गाँव में ना इसके सब्जी बना के खाते थे। ये रास्ता तो नज़र ही नहीं आ रहा है, पत्थर ही पत्थर पे टेक के चल रहा हूँ। कहाँ है इतने में थक गए, अगर वहाँ जाते तो मुकेश जी। हाँ, हवा क्या मस्त चल रही है, ठंडी ठंडी। फाइनली हम अपने गांव के मंदिर पहुंच गए हैं। बाप रे, बच गया। अरे वाह, क्लोज है ना। ये मंदिर बनाना, घर बनाना, फिर यहाँ पे सरवाइव करना, ये जितने भी है ना, ये यहाँ तो पहुंच गए। इतना आसान नहीं है जो सामने दिख रहा है वहां पे पहुंचना। तो दोस्तों, हम अभी पुराने गांव के मंदिर में आए हुए हैं, लेकिन जो सामने जो देख रहे हो ना आप, वो पहाड़ में। हमारा प्लान था वहां जाने के लिए, लेकिन आज नहीं जा पाएंगे, हम लेट हैं और हमारे पास टाइम नहीं है। रास्ता आपने देखा कितना कच्चा है पीछे। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, यहीं एंड करेंगे। अगला वीडियो इस पर ज़रूर आएगा, कब आएगा पता नहीं, कोशिश करेंगे जल्दी लाने की। बाकी सारे माउंटेन में से ऊंचा माउंटेन लग रहा है ये, सामने देखो और भी माउंटेन है। ये आप देखो माउंटेन, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है आपको, फॉग स्टार्ट हो गई है।